एनसीपी नेता और राज्य मंत्री नवाब मलिक पर आतंकी दाऊद इब्राहिम के साठगांठ का आरोप लगा है। नवाब मलिक फिलहाल ईडी की हिरासत में है और उनसे पूछताछ में अभी तक कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नवाब मलिक की दो संपत्तियों का पता भी ईडी को चला है। एक संपत्ति मलिक ने दाऊद की बहन से खरीदा था, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया है। शरद पवार मलिक के साथ हैं। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे और पूरी सरकार नवाब मलिक के समर्थन में है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आघाड़ी सरकार और मलिक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। एक बार फिर बीजेपी ने नवाब मलिक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र बीजेपी ने विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने दाऊद के दलालों को जूते मारो सालों को वाले नारे लगाए। बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार पर नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर दबाव बना रही है। महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर मौजूद बीजेपी के तमाम नेताओं ने नवाब मलिक के बहाने महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं ने अपने हाथों में जो तख्तियां थी उनमें ये लिखा था कि दाऊद गैंग के लोगों से संबंध रखने वालों को संरक्षण देने वाली महाविकास अघाड़ी सरकार का हम विरोध करते हैं। हालांकि अघाड़ी सरकार ने साफ कर दिया कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा मलिक का बचाव करते हुए शरद पवार ने बयान दिया है कि मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। उनका नाम दाऊद इब्राहिम से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। मलिक और उनके परिवार के सदस्यों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। वहीं ईडी के शिकंजे में फंसे मलिक से लगातार पूछताछ हो रही है। माना जा रहा है कि अगर मलिक और दाऊद को लेकर कुछ और बड़े खुलासे होते हैं तो बीजेपी और अघाड़ी नेताओं के बीच तल्खियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर मलिक से इस्तीफा लेने का दबाव भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।